सर अगर मैं थोड़ा सेफ्टी की तरह हूँ, जैसे अगर हम वरना टॉप मॉडल पे चले हैं, तो उसके अंदर कंपनी सीट के अंदर ही एयरबैग देती है ना? अगर मैं चाहता हूँ ये ऑल्टो मतलब छोटी सेगमेंट की गाड़ी में फिट हो जाए अपना आर्म रेस्ट, तो क्या पॉसिबल है सर? हमें नैनो गाड़ी लेकर गए, हम उसमें करके दिखाएंगे। मतलब सर पूरा मतलब बिस्तर बना, कोई बंदा चाहता है आम से जुड़ना, मतलब दिल्ली में तो चलो आ जाता है, कोई बंदा आउट ऑफ दिल्ली है, मतलब पैन इंडिया में कहीं भी रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, एक्सप्रेस जेट कहीं भी रहता हूँ, कैसे जुड़ सकता है थोड़ा बताइए। एक बार मैं आपको ऊपर से भी दिखा दूँ तो भाई सनरूफ कुछ अपनी ऐसी रहने वाली है। सर मैंने जितनी आफ्टर मार्केट सनरूफ देखी है वो ऊपर की तरफ जाती है, इसमें गायब भी हो गई चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज है, छोटी चीज भी अगर आपको ढंग से उस पर काम किया है तो किसी में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, और वो फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है वो लास्ट इंप्रेशन नजर आया। बिल्कुल सही। i10 में तो मैं पहली बार देख के हेडलाइट्स लग सकते हैं, मैं तो शॉक ही हो गया था कि अरे, और सर पता भी नहीं चला, लिटरली आपने भी देखा होगा कि अरे हेडलाइट्स एक्सटर्नल लगाए हैं हमने। ये बटन है इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी वारंटी क्या होती है सर? जो हेडलाइट्स आपने लगाया मतलब वो लग भी नहीं रहा लगाया? मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब बंदा कोई गाड़ी लेता चाहे छोटी चाहे बड़ी गाड़ी ले तो उसको लाइफ में रहता है कि मैं अपनी गाड़ी को ऐसा सजाऊं। पर हमने नैनो लिए कि आपको पता चल जाए कि छोटी गाड़ी में हो सकता है तो आपके पास बड़ी गाड़ी हो, उसमें तो डेफिनेटली पॉसिबल है, मसाजर लगा सकते हैं, मतलब जो आप सोचो भाई वो सब कुछ हो सकता है। और जो सर ने लगाई है वो भाई अल्टीमेट लेवल की, जैसा कि आप नोट कर पा रहे होंगे। हैंडीकैप पर्संस को गाड़ी के अंदर लाना बैठाना एक अलग से सरदर्दी होती जो है, फिजिकली चैलेंज लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं के लिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग बाहर जाना चाहते हैं या किसी ड्राइवर जा नहीं पाते। हाँ, जा भी नहीं पाते। और लीकेज की लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है सर, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर मार्केट नहीं करता। हमने बात कर ली आपकी एज की, मेरी एज की, सीनियर सिटीजन की बात कर ली, बच्चों की भी बात कर ली, अब कुत्ते बिल्ली पे आते हैं, पेट्स वगैरह पे भी, तो उसके लिए क्या कुछ हमारे पास है? एक चीज वर्ड यूज करते हैं मार्केट में कि अभी तो रिंकल आ रहे हैं, वो बैठने के बाद चले आएंगे। सो हे गाइस, व्हाट्सअप बैक टू माय चैनल। आज आपको ऐसी गाड़ी दिखाने वाले हैं, टाटा सफारी। सर फर्स्ट टाइम इन इंडिया कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया रहने सर ने भी क्लेम कर दिया। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। या माय नेम इज वीरेंद्र शर्मा एंड आई एम फ्रॉम मैट्रिक्स कार डेकोर एंड KMP इनोवेटिव्स। हम लोग आज मिले हैं यहाँ पे राहुल जी आपसे। हमने जो रेंज है वहाँ एक्सेसरीज में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए वहाँ पर बहुत सारी रेंज है। फिलहाल हम आपको एक गाड़ी के अंदर जो एक एक्सक्लूसिव रिक्लाइनर है जो फर्स्ट टाइम ही हमने फिट किया है पहली बार गाड़ी के अंदर, अच्छे से अच्छी कंपनी बंदे ट्राई करे और नहीं कर पाए, आज हम उसका डेमो आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा एक सब छोटा सा पार्ट है, उसके अलावा हमें बहुत सारी रेंज अलग हो रहे हैं जो आपको देखने में मिलेंगी। मतलब सर का कहने का मतलब है जो मर्सिडीज में आपको फीलिंग मिलती है वो इस गाड़ी में मिल सकती है और हर गाड़ी में मिल सकती है। जब भी बंदा कोई गाड़ी खरीद करता है तो उसको पहले कंफर्ट ही चाहिए होता है गाड़ी के अंदर, और लग्जरी चाहिए होता है, तो उसका जो एहसास है अगर हम छोटी गाड़ी में देते हैं और बड़ी गाड़ी में देते हैं तो उसका मजा अलग है। बड़ी बात रहने लगी, करते वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, तो आ जाओ। चुकी टाटा सफारी स्टॉक। सर मैं जानना चाहूंगा आप A to Z से एक्सप्लेन करो, एक्सटीरियर से पहले हम करते हैं, एक्सटीरियर में क्या क्या हो रखा है? एक्सटीरियर के अंदर इसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट थी हमें गाड़ी के अंदर आगे कुछ प्रोजेक्टर्स लैंप्स हेडलैम्प्स वगैरह लगाने हैं, तो हमने ये अपने प्रोजेक्टर लैंप्स इसमें गाड़ी में लगवाए हैं, एंड दैट इज DRL, अलग से इसमें DRL लगी हुई है जो इंडिकेटर के रूप में काम करती है। चॉइस ऑफ कस्टमर थी बिकॉज वो ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनको थोड़ा सा चाहिए कि राइट में ड्राइविंग होती है, तो हमें ट्रैक्शन जो चाहिए गाड़ी के अंदर, रोड पे तक सेफ्टी जो चाहिए वो मिल जाए साथ में, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है इसमें प्रोजेक्टर लैंप्स गाड़ी में लगा कर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, और गाड़ी के अंदर जो हमने एक्सक्लूसिव जो काम किया सर, मतलब खजाना कहना चाहूंगा अंदर की तरफ, खजाना कह सकते हैं हम, आपको पसंद आएगा, आपको अगर देखेंगे तो आपको एक यूनिक चीज लगेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले गाड़ी के अंदर हमने बेसिक जो काम किया हुआ सफारी गाड़ी स्पेशली, मैं उस साइड से आता हूँ गाड़ी को। हाँ जी, हाँ जी, आपको दिखाता हूँ आपको। जब तक गाड़ी की आप एक बार सीटें देखिए, इसमें रिक्लाइनर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है,
सो गाइस ये अपना थोड़ा माइक रहने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। सर ये सीटें तो ऐसी नहीं आती होगी? सीटें ऐसे बिल्कुल नहीं आती गाड़ी के, आप गाड़ी के ऑरिजिनल सीटें देखेंगे तो आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे गाड़ी के अंदर आपने गाड़ी में क्या काम। जैसे कि आपको पता है सफारी में कैसी सीटें आती है, तो भाई डिक्लाइनर लग चुके अपनी, अपना कैमरा बैक रहने वाला है नीचे की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे होगे। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैंने फ्लोरिंग बहुत सारी देखी है, ये फ्लोरिंग कुछ अलग लेवल की है? ये सर फ्लोरिंग अलग है, इसमें क्यों पूरी फ्लोर जो नीचे ग्राउंड पे किया हुआ है सीटें हटाने के बाद पूरा व्यू से इसको करके दिया हुआ है। सर जैसे कि मैं सीट देख पा रहा हूँ, ये अपनी पायलट सीट जो होती है ये आती नहीं है शायद? ये हाँ गाड़ियों में आती नहीं है, और इन गाड़ियों के अंदर सीटों के साथ साथ आर्मरेस्ट का थोड़ा कम्फर्टेबल ड्राइविंग जो बंदा ड्राइव करता है उसके साथ आर्मरेस्ट ऑप्शन दे रखी है जो लेफ्ट राइट ऊपर से चल जाते हैं ताकि आपको एज पर ड्राइविंग के हिसाब से इसमें बैठ जाए। इसमें तो नॉर्मल सीटें ही है जो हमने आप गाड़ी में लगा के रखी है, पीछे आप देखिए। सर एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, ये तो सफारी गाड़ी होगी, अगर मैं चाहता हूँ ये ऑल्टो मतलब छोटी सेगमेंट की गाड़ी में फिट हो जाए अपना आर्म रेस्ट, तो क्या पॉसिबल है सर? आप हमें नैनो गाड़ी लेकर गए हम उसमें करके दिखाएंगे। तो सर ने जैसा कि बोला नैनो गाड़ी लाके दे तो सर कर सकते हैं। ये आ चुके हैं पीछे की साइड जैसा कि आप देख पा रहे हो, सर थोड़ा समझाइए पीछे। राहुल जी पहले पीछे आप आए हैं, देख गाड़ी के लुक्स पे जरा गाड़ी की सीटों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा अट्रैक्शन इसमें क्या क्या हमने अलग अलग काम कर रखा है। ये गाड़ी में पीछे जो बैकग्राउंड स्पेस होता है कभी भी इतना गाड़ी में सीटें नॉर्मल आती जो लगी होती है हमने देखी गाड़ी सवारी के अंदर ऐसी सीटें आती ही नहीं है। इसमें हमने 3 पॉइंट रिक्लाइनर सीटें में लगा रखी है इसके अंदर, देखिए आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर। भाई सर आप बैठिए। मैं बैठूं? हाँ जी हाँ जी आप बैठिए। ठीक है सर, जैसे हम गाड़ी अंदर बैठते हैं ये हमारी एक रिक्लाइनर सीटें हैं जो गाड़ी के अंदर, इसमें देखिए एक तो हेडरेस्ट लगे हुए हैं कंफर्ट वाले के लिए, इसको अगर आप फील करें आप। एंड सर ये तो बहुत सॉफ्ट रहने वाला है, ये अपना क्राउन हेडरेस है, क्राउन हेडरेस कह सकते हैं इसको आप। और उसमें बैठने के लिए कंफर्ट है, आप देखिए मैं गाड़ी अंदर कंफर्टेबल गाड़ी अंदर बैठा हूँ पीछे। और फ्रंट का जो पोर्शन है, जैसे मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है, कहीं से बड़ी हाइट के भी बंदे यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठा करेंगे तो उनके लिए कई बार सर एज लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो और सफारी गाड़ी के अंदर जो बॉडी में जो जगह स्पेस दिया होता है वो नीचे बहुत कम दिया होता है, तो हम स्पेस को नीचे नहीं बढ़ा सकते सीटों के कारण। अच्छा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें गाड़ी में लगाया, सपोज किसी बंदे ने गाड़ी अंदर बैठना है इज स्लाइटली टॉल, तो वहाँ पर ऑप्शन है जो रिक्लाइनर करते हैं गाड़ी की सीटें को, इसको हम पीछे कर सकते हैं गाड़ी को साइडली, मतलब टच ना हो हमारा सर। हाँ टच ना हो, प्लस आपकी जो डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग आप करते हैं आपको जैसे एरोप्लेन में फील करते हैं। बिल्कुल सही, मतलब सर ने चलता फिरता सोफा बना दिया अपनी गाड़ी को। ये देखिए पूरा ये वन टच इसमें है, बटन से आप रखे यूनिकली सेपरेटली, इसको आप पूरा बैंड कर सकते हैं इफ यू नीड टू, अगर आप सोना चाहते हो गाड़ी में, आपकी लंबी ड्राइविंग है आपको चलते हैं अभी। देन ये हमारा इसमें फ्रंट के लिए ये भी ऑप्शन दी हुई है, देखिए ये थाई सपोर्ट हो गया अपना, थाई सपोर्ट है ताकि आप लेग्स को भी आपको आराम मिल जाए। मतलब सर पूरा मतलब बिस्तर बना दिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको मैं पीछे करूं इससे पीछे जाएगा आपको, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये देखिए आप इसमें जो कंफर्ट है, जैसे चाहे आप देखो लंबा बंदा हो जितना मर्जी लंबा बंदा हो आराम से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सर बिल्कुल बिस्तर बना चुके हैं इसे, मतलब सर मैं तो कहूंगा चलते फिरते आदमी सो भी सकता है, इतनी कंफर्टेबल सीट रहने वाली। गाड़ी लेने का मकसद बंदे का सबसे पहले मतलब ही कंफर्ट होता है, कि उसने गाड़ी खरीदी है उस गाड़ी का चार्म उस बंदे को ऑलरेडी होता ही होता है, तो गाड़ी के अंदर क्या क्या काम वो कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। और हमारे पास तो एक कैटेगरी ऐसी है कि हमने बताया आपको छोटी गाड़ी लेकर के, नैनो आपने वर्ड यूज कर दिया ना, तो आप जैसी भी आप चाहें गाड़ी को कंफर्टेबली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा के हमारे पास से आप ला सकते हैं। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, सफारी में तो ऊपर जितना मैंने नोटिस किया है एक मतलब पूरा डक आता है। हाँ, एसी का, वो एसी के लिए होता है, एसी की डक्टिंग के लिए हमने यहाँ पे पोर्शन में सेपरेट हमारा एक छोटा बॉक्स होता है जो स्मॉल सीटें होती हैं उसको हमने एसी को कन्वर्ट पीछे कर दिया है गाड़ी के अंदर। अच्छा, ब्लोअर्स को साइड में हमने डिवर्ट कर दिया है। अच्छा अच्छा ये वाला, ताकि एयर का जो फ्लो है एसी का वो डिक्ट ना है, क्योंकि थोड़ा टफ होता है कॉल यहाँ पे आपका। देखिए नॉर्मल वाली सफाई को देखिए आप तो दिखाई नहीं, पहले आपको अगर दिखाते पहले आपको नहीं, मैं तो जानता हूँ कि सफारी के यहाँ पे होता है, तो मतलब हमने मतलब जो डक होता है उसको चेंज कर दिया, प्लस हमने इसमें एड ऑन में आपको एक सनरूफ के साथ लगा के दे दिया। ये सर लेदर तो इसमें आता नहीं है, लेदर है कि क्या है सर? सर ये ओरिजिनल कारपेट लग रहा है, कारपेट ऐसे चेंज किया हुआ है, मतलब बॉडी का कारपेट भी सर चेंज किया हुआ है, बिकॉज रिक्वायरमेंट कस्टमर को जो था, हमारे जो कस्टमर थे वो चाहते थे कि गाड़ी को पीछे हम लोग कंप्लीट ड्राइव करें, मतलब सो के जा सके। हाँ, क्योंकि वो ट्रैवलिंग ज्यादा लोग करते हैं तो कंफर्ट रहना चाहिए, और क्योंकि उस लिए बंदा गाड़ी रोक जाता है, और ट्रैवलिंग जो लोग ज्यादा करते हैं उसके लिए तो एक माशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज होती है वो आप इस्तेमाल करते हैं। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये ऊपर जो ओरिजिनल कपड़ा आता है ना वो है वेलवेट, मैंने देखा ऊपर लगते हैं, बट ये एकदम मैं फील कर रहा हूँ ना ये सेम टू सेम वही रहने वाला अपना। हाँ बिल्कुल सेम रहता है, इसमें भी ऑप्शनल आपकी हो सकती है, जैसे आप जैसे चाहें, आपको जिस तरीके के आपको फैब्रिक चाहिए जिस तरीके क्वालिटी आपको चाहिए दैट कैन बी कन्वर्ट, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, ये बटन है इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी वारंटी क्या होती है सर? हम लोग पूरे प्रोडक्ट जो भी हम डील करते हैं इसमें अपने कार के अंदर, हम लोग सभी के साथ स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी क्लेम करते देते हैं कस्टमर को भी। वारंटी तो आपने बता दी 1 साल की हमें मिलती है, मान लीजिए 1 साल बाद मेरा खराब हो गया ये अपना बटन, तो हमें कुछ
कुछ मतलब कुछ बाद में आफ्टर सेल सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती? जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग 10 साल पुरानी कंपनी है, हमारा दिल्ली ही नहीं, एनसीआर ही नहीं, हमारा ऑल ओवर इंडिया में हमारा सर्विस नेटवर्क हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, कुछ हमारे बन चुके हैं और हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कोई पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो हम सर्विस प्रोवाइड करा के कस्टमर के एंड पे करा सकते हैं, इसमें कोई लंबी छोटी बात ही नहीं, क्योंकि इसमें पार्ट्स मोटर्स का काम होता है, बाकी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हायर क्वालिटी के यूज करते हैं, उसमें शिकायत ना के बराबर होती। वारंटी इज बेसिकली पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे रहे। सर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि अगर हम मुंबई वगैरह कहीं पे रहते हो तो सर ने मतलब आपके दोनों डाउट क्लियर कर दिए, हम एक्स वाई जेड कहीं भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको डाउट है कि गाड़ी का, अगर आप नंबर बाई चांस नोटिस करें तो गाड़ी यहाँ से दिल्ली की गाड़ी, बिहार की गाड़ी है, हाँ ये गाड़ी बाहर की है, हमारे पास दिल्ली नहीं, हमारे पास बैंगलोर से क्या, हमारे पास महाराष्ट्र से क्या, हमारे पास कलकत्ता से क्या, हमारे पास दार्जिलिंग से क्या, हर जगह से गाड़ी, मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर हम काम करा रहे तो हमें सर्विस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। जब गाड़ी यहाँ से हम ओके करके देते हैं यहाँ से, तो हम पहले उसको चेक ही करते हैं, अच्छा चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको गाड़ी का हेड ओवर, मतलब पूरी टेस्टिंग वगैरह होके फिर मिलती है, टेस्टिंग का फायदा नहीं है। सर सर्विस की बात तो हमने कर लिया, आफ्टर सेल सर्विस हमें अच्छी मिलती है, एक चीज जानना चाहूंगा इसको क्राउन एड्रेस क्यों बोलते हैं? क्राउन एड्रेस के पीछे आप देखिए, जब भी कभी आप क्राउन वर्ड मतलब ताज, ताज बिल्कुल होता है, बिल्कुल ताज, आप सही कह रहे हैं, ताज ही होता है। जब लॉन्ग ड्राइविंग पे आप ड्राइव करते हैं, जब थोड़ा बहुत टायर्डनेस आपको फीलिंग होती है, वो सपोज स्लीप करना है, और नॉर्मली आप देखते हैं कई बार सर इधर उधर लेफ्ट झूल रहा होता है, कई बार आपने देखा होगा, तो आप इसको देखो इसमें भी फोल्डेबल है, आपने देखा जो अब तो आपने फ्लैट देखा इसको, बिल्कुल सही, इसमें फोल्डेबल भी, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड हो जाता है, तो आपका जो सर है वो एक जगह टिक के रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका जो मोशन से बॉडी के हिलेंगे नहीं, आपको तो कंफर्ट की जो बातें होती है, जो लग्जरी की बातें रहती है, हम तो वो हमें सब मिल रही है, हम आपको देने की कोशिश करते हैं। प्लस इसमें क्या है, मोबाइल आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मोबाइल लेके साथ जा रहे हैं, आपको चार्जर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बार बार तार आगे लगाने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी सुविधा के लिए इसी सीट के जो कंसोल है यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, इसमें यूएसबी पोर्ट भी साथ में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसी से आप चाय कर सकते हैं, दो फोन इकट्ठे कर सकते हैं, प्लस ग्लास होल्डर है, कोई ड्रिंक्स है, पानी है, जो भी आपने रखना हो वो भी साथ में। सर ये तो हमने बात कर ली, सीट हमें बिस्तर से मिल रही है, क्राउन हेडड्रेस मिल रहा है जो कि ताज एक तरह से रहने वाला, कहीं हमारा सर नहीं आएगा, अब सब कुछ तो लग्जरी मिल रहा है, अब हमें चाहिए थोड़ा मजा कि मैं अपनी गाड़ी की छत से बाहर निकल सकूं, तो क्या रहने वाला है सर हमारे लिए? नॉर्मल जो फीचर होता है, लोग बच्चे हमने काफी गाड़ी में देखा है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में लोग जो घूमते हैं अपना, बच्चे के बार हाथ से बिहेवियर करते हैं, तो हमने इस गाड़ी में उसके लिए भी ऑप्शन छोड़ रखी है, आपको देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे बटन है, यहाँ पे इसमें हमने सनरूफ इंस्टॉल की गाड़ी के अंदर, एक बार मैं आपको ऊपर से भी दिखा दूं तो भाई सनरूफ कुछ अपनी ऐसी रहने वाली है। सर मैंने जितनी आफ्टर मार्केट सनरूफ देखी है वो ऊपर की तरफ जाती है, इसमें गायब भी हो गई? देखिए एक तो सबसे पहले ये बड़ी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी के अंदर मैक्सिमम अगर आप देखें तो ये इनडैश सनरूफ होती है जो गाड़ी के अंदर जाती है, बट इसके लिए थोड़ी हमें दिक्कत काफी महसूस हुई, क्योंकि इसमें गाड़ी में आपने देखा एसी डक आता है, आपने साइड में डक कर दिया, मैंने आपको पता था पीछे एसी का ऑप्शन पीछे छोड़ी हुई है, तो हमें सनरूफ जो गाड़ी में इंस्टॉल करनी है तो हमें पूरा ये जगह स्पेस ओपन चाहिए होता खाली, तो हमने इसमें इनडैश ले गई है, और इनडैश के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, थोड़ा सा बताइए सर। जैसे कि लीकेज की प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली जो सनरूफ लोग लगाते हैं कई बार उसमें लीकेज की प्रॉब्लम लोग बहुत शिकायत करते हैं कि हमें गाड़ी में शिकायत आ रही है, हमारी सनरूफ के अंदर जो पैकिंग ही होती है इंडस्ट के कारण जो रबड़ की सीलिंग होती है बाहर आती है, तो जब भी कोई पानी वाला पड़ता है तो ऑटोमेटिकली बाहर चले जाता है, गाड़ी के अंदर लीकेज की प्रॉब्लम देता ही नहीं, तो मतलब लीकेज से छुटकारा मिल गया हम लोग, मैं तो कहता हूँ आपको इसको लाइफ टाइम चलाओ गाड़ी में, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब सर वारंटी कितने साल की मिल रही है? सर जो मोटर पार्ट्स होते हैं हम उसकी वारंटी आपको देते हैं 1 ईयर की, और लीकेज की, लीकेज की अभी लाइफ टाइम, लीकेज की तो हम आपको जिम्मेदारी हमारे लीकेज की लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है सर, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर मार्केट कंपनी नहीं करती है, बिल्कुल सही सर, नहीं करती है, बिकॉज हमने आपको बताया कि हम ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, तो ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड का जो मतलब होता है वो ये मतलब कि कार स्पेसिफिक हो, कार के हिसाब से हो, कार के अनुरूप हो, तो ये ऑटोमेटिक बल्ब। सर ये तो बड़ी गाड़ी थी इसलिए हमने इसके अंदर इन डैश कहते हैं इसको, नहीं इसको ना इनबिल्ट कहते हैं, इनबिल्ट सनरूफ जो गाड़ी की बॉडी के अंदर ही फंसी जाती है, देखो आप ऊपर नजर नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही, चली आती है, और जो बाहर से होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आउटबिल्ड कहते हैं, जो बाहर आउटबिल्ड, नहीं नैनो वर्ड यूज करता है, नैनो का ही लूं तो उसमें हो पाएगा, उसमें कुछ गाड़ियों में टप्पर है, क्योंकि स्पेस अगर आप देखें गाड़ी का, इस गाड़ी का जो छत का जो साइज है बड़ा साइज का, अगर गाड़ी का छत का साइज छोटा रहेगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, बाकी हाँ उसमें कुछ ऑप्शन अलग से हमारे पास आती है, जिसको हम काम कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम पे उनको वो भी कन्वर्ट, होंडा सिटी अगर एग्जांपल के तौर पर उसमें हो सकता है। सो गाइस जैसा कि सर ने सारे एग्जांपल किया हमने आपको बता दिया होगा, भाई टोरा इसी से आता है सर, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। वीरेंद्र सर हमने बड़ी गाड़ी तो कवर कर दी, किसी के पास सफारी ना हो, छोटी गाड़ी, अपनी मिड सेगमेंट गाड़ी, जो एंट्री लेवल गाड़ी अपनी i10, इसमें पहली चीज देख पा रहा हूँ जो हम वहाँ बात करते हैं सर के ताज की, वो अंदर भी रहने वाला है, जरा एक बार दिखाइए। हमने कहा कि छोटी गाड़ी में काम नहीं हो सकता, तो आपको छोटा सा ट्रायल है, हमारी पुरानी गाड़ी खड़ी है जो 3-4 साल पुरानी गाड़ी खड़ी है, 4 साल, हाँ, तो इसमें हमने कुछ छोटा मोटा काम किया था जो आपने कहा था बड़ी गाड़ी में हो सकता, छोटी गाड़ी में नहीं हो सकता, वो आपको बात। तो सर आज आपको लुक देंगे, देखिए इस गाड़ी में फ्रंट के अंदर है 2 सीटें लगी हुई है, एक तो जो गाड़ी में ओजन कंपनी से लग करके आती है वैसी वाली, और एक हमने गाड़ी के अंदर अलग से लगाई है ये वाली। एक बार मैं आपको उधर से जाके दिखाता हूँ, जो कंपनी से आती है वो कुछ ऐसी रहने वाली है, तो ये देखो भाई ये कुछ डिजाइन रहने वाला है,
और जो सर ने लगाई है वो भाई अल्टीमेट लेवल की, जैसा कि आप नोट कर पा रहे होंगे। आप देखिए आपको राजा जैसी फीलिंग जो बार बार आप कह रहे हैं, लिटरली सर, तो राजा जैसी फीलिंग इसमें मिल सकती है आप। सर हमारे फाइनली ड्राइवर साइड सीट पे आ चुके, तो इंटीरियर वगैरह जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सर, मतलब इसमें आवरेज मतलब एक तरह से पायलट सीट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है पायलट सीट, आप बंदा हर बंदा ड्राइवर लेके गाड़ी चला नहीं सकता। बिल्कुल सही, अब वो कई बार लंबी ट्रेवलिंग पे जा रहा है या दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, कई बार थकान परेशान बंदा हो जाता है, तो हमने तो उसका भी ध्यान रखा है। आप ये देखिए कम्फर्ट पीछे भी आ सकता है, जो सीटें हमने आपको बड़ी गाड़ी में दिखाई थी आपको सफारी में, आपको इस गाड़ी में आपको दिखा दी यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, बंदा कम्फर्टेबली अगर जाम में भी है तो आराम से बंदा रिलैक्स कर सकता है, उसको परेशानी मेंटली परेशानी नहीं होगी। एक चीज आपको खुद ही बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो सर, ये मतलब लग नहीं रहा कि आफ्टर मार्केट आपने लगाया, ऐसा लग रहा है कंपनी ही देती है हमें। नहीं कंपनी तो जो सीट कवर देती है वो तो ये नहीं, मतलब जो फिटिंग वगैरह रहने वाली ना सर बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो हेडरेस आपने लगाया मतलब वो लग भी नहीं रहा लगाया। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब बंदा कोई गाड़ी लेता है, चाहे छोटी चाहे बड़ी गाड़ी ले, तो उसको लाइफ में रहता है कि मैं अपनी गाड़ी को ऐसा सजाऊं कि जैसे वो एक यूनिक कार लगे। बिल्कुल सही, यूनिक कार लगने के लिए यूनिक काम तो करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए हमने दिखा रखे इसमें कंफर्टेबल आपको वैसे मिलने वाला है, जो आपको आराम से बैठे रहते हैं, आपको जो ड्राइविंग का कंफर्ट है वो बढ़ जाएगा, आप जो बैठे गाड़ी के अंदर तो जो स्मूथली जो ड्राइविंग होती है, लॉन्ग टर्म ड्राइविंग होती है, आपको उसका कंफर्ट रहने वाला है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, जितना मैंने बाहर नोटिस किया है कि जब हम ऐसे इनबिल्ट हेडरेस वाली जो सीट होती है उसमें जब हम कपड़ा चढ़ाते हैं तो यहाँ साइड जो होती है ना वो रिंकल्स आ जाते हैं, उसका थोड़ा कारण बेसिकली जो फैब्रिक की क्वालिटी जो लोग इस्तेमाल करते हैं बाहर में और यहाँ पे भी, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ऑटोमोटिव जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पैरामीटर को पूरे करते हैं, ताकि जो छोटी मोटी शिकायतें आपको बाहर नजर आती हैं वो हमारे पास आपको नजर ना आए। स्टिचिंग से लेकर के होता है रिंकल्स पड़ जाते हैं गाड़ी के अंदर, पीपर कई बार क्रैक हो जाते हैं, तो वो सब चीजें आपको पसंद है। मैं आपको बोला कि वारंटी बैकअप हम देते हैं हर चीज के साथ में भी, तो हमारा हर चीज का वारंटी बैकअप रहता ही है, तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड बेंड करते हैं वो रहेगा। आपको स्टिचिंग आप देख लें गाड़ी के अंदर, देखिए इसमें स्टिच आपको यहीं से नजर आ रहा है कि सीट लगा रखा है। एक चीज वर्ड यूज करते हैं मार्केट में कि अभी तो रिंकल आ रहे हैं वो बैठने के बाद चले आएंगे, वो सर थोड़ा बताइए जरा। नहीं वो तो आप वही बात कर रहे हो, आ जाएंगे चले जाएंगे, जो बढ़कर काम करने वाला होता है। अच्छा, अच्छा। वो हमें पसंद नहीं है, ना ही हम करना पसंद करते हैं। आप अच्छी चीज बताओ, कस्टमर आपका हैप्पी होगा तो दो कस्टमर आपको साथ मिलेगा। तो सर जो मार्केट में डाउट चल रहा है कि अगर आप इनबिल्ट मतलब जनरली जितना मैंने रिंकल देखे वो इनबिल्ट हेडरेस्ट के साथ देखे, जो हेडरेस्ट होते हैं गाड़ी के अंदर एक अलग से पार्ट में लोग इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में, हैवी चढ़ाते हैं वो लोग, अगर उसको ढंग से नहीं इंस्टॉल करेंगे तो उसमें रिंकल आना स्वाभाविक है। वो तो हमने बताया एक चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज या छोटी चीज भी, अगर आपको ढंग से उस पर काम किया है तो किसी में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, और वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन नजर आया। बिल्कुल से, बाकी जैसे कि मैंने आपको सफारी में भी फिटिंग दिखा दी भाई, एक नंबर से। कितने साल हो चुके हैं सीट को? तकरीबन 4 साल पुरानी सीट, 4 साल पुरानी सीट, और लिटरली मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट लग रही है, जबकि हम मेंटेन कम करते हैं। सर अब चलते हैं पीछे, जो चीज पॉसिबल नहीं है कभी वो आपने पॉसिबल करके दिखा दिया। पीछे आप पीछे दिखाता हूँ। सो गाइस ये आ चुके हैं हम पीछे, सर टॉप मॉडल में आता है ये। आप किसी गाड़ी में जाइए, आपको किसी गाड़ी में पीछे सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला है, टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता इसके, तो ऐसा नहीं मिलता जो साइज आपको दिखा रहे गाड़ी में लगा दिया है, डिफरेंट है जो हम लोग करते हैं, तो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट यहीं पे होता है और ये कस्टमाइजेशन का ये तरीका है, जो छोटे बड़े काम होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको उसी हिसाब से फुलफिल करके देते हैं। सर एक मेरा डाउट है, ये तो चलो नॉर्मल अपनी है, अगर मैं चाहता हूँ इसमें भी अपना ताज जैसी हेडरेस लग जाए तो पॉसिबल है? हाँ इस गाड़ी में पॉसिबल है, बिकॉज ये थोड़ा सा नैनो से थोड़ा बड़ा साइज की वो है। अच्छा सर नैनो का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मैं इसे लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो मैकेनिज्म में साइज थोड़ा छोटा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों, मैं उसमें भी हम कर सकते हैं, मना उसके अंदर भी नहीं है, बट इसमें वो जो ढंग से फिट हो जाएगी ताकि आपको अच्छी लगे गाड़ी के अंदर, फिटमेंट होने के बाद चीज अच्छी लगनी चाहिए, जो बेसिक फंडा हम लोगों का होता है वो आपको। सर एक चीज पूछ रहा, ये जो आर्म रेस्ट है इसकी क्वालिटी सर मतलब लिटरली जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई पीछे भी चला गया, अब आगे भी लेके आना है, तो सर ये कोई सी भी गाड़ी पॉसिबल है? 800 मेरे पास मारुति, किसी भी गाड़ी में करा सकते हो, जैसे कि आपने सुन लिया। सर सनरूफ की बात करना चाहूंगा, सर टाटा सफारी में अंदर के साइड इनबिल्ट हमारी सनरूफ है, वो पॉसिबल है इसमें i10 में? हाँ इसमें भी बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें पूरे इनबिल्ट जो सनरूफ अपने उस गाड़ी में हमने दिखाई थी आपको, ये सेम उसमें आप मर्सिडीज लगा सकते हैं, मतलब इसमें इनफ स्पेसिंग है वो पॉसिबल है। इसमें इनफ स्पेस आता है, इसमें आप अंदर की भी लगा सकते हैं, इसमें आप बाहर की भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन उसमें, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिसमें हमको मजा मिले। जी 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 जैसे आपको कंफर्टेबल। जैसा कि आपने सब कुछ देख लिया वीरेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा बड़ी गाड़ी तो हमने दिखा दी, छोटी गाड़ी जो मतलब हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, मतलब आपने वो पॉसिबिलिटी करके दिखा दिया, कंपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके टॉप मॉडल में हमको एड्रेस देती है, आपको ही पता है। ठीक बात है। बट हमने आज मतलब बेस मॉडल गाड़ी आप लेके आओ उसको भी हम बना सकते हैं। सर और क्या क्या वैरायटी हम लोग के पास अवेलेबल है? वैरायटी की बात हम आपको बताते हैं, जैसे राहुल जी आप खुद जिस चेयर पे बैठे हो आप देखो, अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो ये अलग से एक स्पोर्ट सीट है, स्पोर्ट सीट तो है लेकिन इसका एक मल्टीपर्पज यूज हम
हमने इसमें कर दिया है, ऐसा देखें सीट को आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं आप, ठीक है। एक तो आपका ये चीज हो गया, प्लस इसके अलावा आप हमारा जो रेंज है जो हम करते हैं उसमें हम आपका जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर आप कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे आपने देखा है, या वो गाड़ी के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे हमारी कुछ सीटें आती हैं जो हैंडीकैप पर्सन को गाड़ी के अंदर लाना बैठाना एक अलग से सरदर्दी होती है, फिजिकली चैलेंज लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं के लिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग बाहर जाना चाहते हैं या किसी ड्राइवर जा नहीं पाते, हाँ जा भी नहीं पाते, और उनकी जो हॉस्पिटल की नीड्स होती हैं उनके लिए अलग से उनको एक एम्बुलेंस अलग से हायर करनी पड़ती है, बट ये सब काम उनको ऐड करने पड़ते हैं। हमने उन्हीं की सुविधा के लिए एक हमने सीट्स बनाई हैं जो स्पेशली हैंडीकैप पीपल्स के लिए है, जिसमें आप दो तरह की सीटें होती हैं, आप उसमें सीटें गाड़ी के अंदर आप बैठा भी सकते हैं उस पेशेंट है उनको भी, और वो इलेक्ट्रॉनिक भी आती है और मैनुअल तरीके से भी उसमें आती हैं। एक तो ये चीज हाथ में हो गई है, मतलब सर ने जो फिजिकली चैलेंज जितने हमारे लोग थे जो सोचते थे कि मैं अलग ट्रैवल कैसे कर पाऊँ, तो वो भी एक तरह से कहना चाहूंगा ड्रीम वो फुलफिल होता जा रहा है। मतलब अगर आपके घर में कोई भी फिजिकली चैलेंज जितने पर्सन है मतलब बड़े इजिली हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी ठीक है, बट कई बार ओल्ड एज पीपल होते हैं, अच्छा अब उनका भी मन कई बार बाहर घूमना करता है, बिल्कुल है, तो उनको भी मन कई बार पड़ता है बाहर जाना है घूमना है फिरना है या किसी जगह, हाँ धर्मशाला पे जाना है, तीर्थस्थल पे जाना, तो उनके लिए भी ऑप्शन होती है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों को। सर एक और, किसी को बैक पेन है, जितने हमारे सीनियर सिटीजन उनको बैक पेन होता है, तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमाइजेशन एक चीज होती है आपकी जो बॉडी के हिसाब से, हम इसमें जो कुशन होती है हम कंफर्ट लेवल आपको उस तरीके से प्रदान कर सकते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड कर देते हैं पीछे ही बैक स्पोर्ट में, ताकि आपको जो बैठने का भी कंफर्ट रहेगा, आप जैसे घर पे आराम से बैठ सकते हैं वैसे ही गाड़ी में आराम से आप बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपको दिखाई दी, इसमें आप बैठ के सो भी सकते हो, और हमने आपको i10 का लुक भी दिखा दिया भाई, मतलब मिड सेगमेंट गाड़ी जो एंट्री लेवल सेगमेंट है उसमें हम कर सकते हैं, मतलब जैसी मेरी नीड है, चाहे मेरे पास ऑल्टो गाड़ी हो मेरे को चाहिए उसमें कुशनिंग चाहिए अच्छा खासा, ये तो आपको बताया दिया हमने, आपको बेसिक काम बता दिया। इसके अलावा हमारे पास जैसे ही ऑप्शंस और बढ़ती चली आती हैं, धर्मस्थलों पे लोग जो अपने गुरुद्वारे में देखे हैं जो पालकी चलती है उन लोगों की भी, उन लोगों की पालकी के अंदर भी एक बनाते हैं पूरा प्लेटफॉर्म, इसमें पालकी साहब को दरबार साहब को लेकर कैरी करते हैं, ताकि उनका एक वो तरीके से उनका जाने का जो रास्ता होता है उस तरीके उनको मिल जाए, तो वो काम भी हम लोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ऊंची स्पोर्ट्स सीटों में भी ना आपको एक हमने मसाजर पॉइंट्स भी क्रिएट किए हैं, आपकी आपने अपने फील ही नहीं किया गाड़ी में, मैं आपको दो चार चीजें भी आपको और दिखाऊंगा जिसमें आपको ये जो बॉडी में जो मसाजेस होता है पॉइंट्स में आपको बैक में मसाज होता है, आपके जो थाई सपोर्ट मसाज होता है वो भी आपके साथ मिल जाता है, मतलब प्लस मर्सिडीज एस क्लास की फीलिंग हमें नैनो जैसी गाड़ी, ऑल्टो जैसी गाड़ी, i10 जैसी गाड़ी, कोई भी गाड़ी वो आ सकती है, प्लस उसमें आपको थाई सपोर्ट है, अच्छा। मतलब जो बैठने के जो कंफर्ट के पॉइंट्स होते हैं हर लेवल से, जो आप घर पे आराम से बैठ सकते हो गाड़ी के अंदर, आप उसमें उसमें अभी आप आ सकते हो आप ये भी। सर ये तो आप जैसे मेरे से यंगस्टर हो गए, कोई अगर बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी है? बच्चे के लिए स्पेशली अभी तक इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर बेबी सीट बनाता नहीं है, हमारे पास बेबी सीट भी आती है, आपका छोटे से छोटा बच्चा अभी पीछे सीट पे उसको सेफ्टी से जैसे बैठाना है, उसको फिर टाई बेल्ट से बांधना है, उसकी चार पॉइंट ऑप्शन होती है बेल्ट से, ताकि बच्चा स्टिल होके अपना कंफर्ट ट्रैवल में आपको पीछे बैठा, आपको परेशान मतलब नहीं करे बच्चा, आपको सेफ्टी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं। करना ही नहीं है। तो आपने बात कर ली आपकी एज की, मेरी एज की, सीनियर सिटीजन की बात कर ली, बच्चों की भी बात कर ली, अब कुत्ते बिल्ली पे आते हैं पेट्स वगैरह पे भी, तो उसके लिए क्या कुछ हमारे पास है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, और हमारे पास मैंने जैसे बताया आपको हर सेगमेंट को हम टैप करते हैं ट्राई करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए भी पेट सीट आती हैं, मतलब पेट्स के लिए भी अवेलेबल है? बिल्कुल पेट्स के लिए भी अवेलेबल है, कि गाड़ी को गंदा ना करें, आपको गाड़ी को बैठते हैं कई बार बंदे अटार करते हैं गाड़ी गंदी हो चुकी है, सीट फाड़ देते हैं हमारी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वो सीटें तो हमारे पास फैब्रिक अच्छा होता है तो उसमें स्क्रैचलेस होता ही है वो, बट जो पेट्स बैठते हैं उसके हमें सीट डिजाइन की हुई है, ताकि गाड़ी की सीट पर रखी रहे, आपके जो पेट्स हैं लोग तो उनको पार्ट ऑफ फैमिली समझते हैं, तो पेट समझते ही नहीं उनको, तो इसलिए वो भी उनके लिए हमारा ऑप्शन है। मतलब आपने जैसे कहा कि हमारी जो सीट है वो स्क्रैचलेस भी आती है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर डॉगी के नाखून पंजे वंजे मारने से उनका कोई फटने का उसमें, मतलब कंपनी फिटेड जो सीट होती है वो तो मैं कहना चाहूंगा कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। मैं हर बार जैसे कहता हूँ आपको कि ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड है, तो ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड का ही पार्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप मिले कंफर्ट जो चाहिए आपको। तो मतलब आप क्या घर पे पेट हो, बच्चा हो, सीनियर सिटीजन हो, व्हीलचेयर वाला कोई भी पर्सन हो, तो मतलब सर आपने तो सब जगह, मतलब आपने जैसे फर्स्ट टाइम पूछा था कि पहली टाइम इन इंडिया, तो यस फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम लिटरली मैं कह रहा हूँ, अगर आपके घर पे पेट वगैरह कुछ भी है तो भाई सोचते हो कि आप सीट थोड़ी मोटी लगाने के लिए सोचते हो, सीट तब भी फाड़ी देते हैं, बट स्टिल यहाँ पे जैसा कि सर ने क्लेम किया कि स्क्रैच लेस सीट आपको मिल जाएगी, मतलब नाखून नाखून मारते ना फटेगी नहीं, हाँ कुत्ते के नाखून से नहीं फटेगी वैसे, अच्छा, आप तो वैसे अगर आप एक्सटर्नली कुछ हार्म करना चाहो तो डेफिनेटली होगा। सर ये तो हमने सब जगह दिखाई दिया, अब कुछ रह तो नहीं गया हमारे पास, तो बहुत सारी चीजें और रह गई, बट मैं आपको एड ऑन करके दो चार चीजें और बता देता हूँ। हमारे पास 7D की जो आपका जो सिनेमा जो एक्सपीरियंस होता है आपका, हमारे पास उस तक के लिए भी VR जैसे टेक्नोलॉजी होती है यूज करते हैं, वो हम करके देते हैं, आपकी सीटों के अंदर ही मसाजर इनपुट होता है, जो आपको फीलिंग आपको 7D में आ चाहिए वो हम यहाँ से करा के देते हैं, आप
अच्छे अच्छे सिनेमा घर में आप जाएँ जहाँ पे वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करके सीटें लेनी पड़ती है कम्फर्ट लेने के लिए, वो तक हम प्रोवाइड करते हैं। कई लोग अपने घरों में होम थिएटर बनाते हैं, होम थिएटर में उनको जैसी लग्जरी सीटें चाहिए होती हैं गाड़ी में लगाने के और घर पे लगाने के लिए भी, तो वो भी हम करके देते हैं। 70 हॉल तो वही हो गए, इसमें हमारी पूरी सीटें घूमती रहती है इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल सेम जो आप बनाना चाह रहे हो वो सेम होती है। इसके अलावा आप जितने भी एडवेंचर पार्क्स होते हैं आप देखो जितने सीटें जो टाइट होकर बनी होती हैं जो चलती हैं पूरे उसमें गेम्स के अंदर अभी जो बैठते हैं जिसपे अभी आप वो सारी हम लोग। सर ये तो आपने मेरे को बता दिया कि जो हमारा मतलब जो सोच रहे सीट में हमको ऐसा ऐसा चाहिए वो तो पॉसिबिलिटी आपने बता दी। अब हम कार कस्टमाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? कार कस्टमाइजेशन में आप कस्टमर की जो नीड्स होती हैं, क्योंकि सफारी में कुछ भी ज्यादा नहीं था। हाँ सफारी में ज्यादा बिकॉज वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही उतनी थी क्योंकि उसको अपने बेसिकली अपने ड्राइवर को छोड़कर 200 किलोमीटर चलता है तो मतलब अच्छा था, बेड चाहिए उनको। हाँ बेसिकली उनको वैसे बेड चाहिए था। लेकिन इसके अलावा भी आप कस्टमाइजेशन अगर आप बात करते हैं, कस्टमाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आपको गाड़ी के अंदर क्या करवाना है, उदाहरण के तौर पर जैसे कई लोग वर्कशॉप पीपल होते हैं जो अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे पालकी साहब को लेके जाते हैं वो अच्छा। है माउंटेन ड्यू जैसी कंपनी होती है वो हमसे ऐड करवाती हैं कि आपको गाड़ी को हमने थोड़ा सा डिफरेंट एक लुक्स में गाड़ी को क्रिएट करके देना है, वो करते हैं। काफी अलग होती है माउंटेन ड्यू की तो गाड़ी आप सबने भी देखी होगी। आप देखें हाँ उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है पूरा काम करके मॉडिफिकेशन करने का, जिससे मैंने आपको बताया कि आपको कस्टमर ने जैसा चाहना है आपके रिक्वायरमेंट। इलेक्शन में पीपल आते हैं, आप तो ये माउंटेन ड्यू की बात करें, इलेक्शन के लोग जब होते हैं कई बार उनको लॉन्ग ट्रैवलिंग में खड़े रहना पड़ता है, वो फीलिंग में खड़े होते हैं लेकिन वो अल्टीमेट अंदर बैठे होते हैं एक्चुअली में। अच्छा मतलब हमको दिख रहा है खड़े हैं बट अल्टीमेटली बैठे होते हैं और वो बैठे बैठे पूरा अपना ट्रैवलिंग करते हैं ताकि हाँ कंफर्ट की जो बात कहना चाह रहे थे आपको तो कंफर्ट की बात उसमें ऐड हो जाती है। वर्कशिप है आपके टेम्पल्स में जो चलती हैं गाड़ियाँ, आपको अलग से किसी भी तरीके के कोई टेम्पल ट्रैवलर्स होते हैं आपको अलग से काम करवाना है, बस को अंदर मॉडिफिकेशन कराना है, बसों तक में भी काम सब हम करके देते हैं। तो मतलब बस आपने सोचना है मेरे को ये काम कराना है। हाँ वो तैयार। सर अगर मैं थोड़ा सेफ्टी की तरफ हूँ, जैसे अगर हम वरना टॉप मॉडल पे चले तो उसके अंदर कंपनी सीट के अंदर ही एयरबैग देती है ना। बिल्कुल अगर हम मान लो आपका नीड है उसमें लोगों के हाथ बड़े बन जाते हैं कि हम कुछ नहीं करा सकते सीटों में, हमारी एयरबैग नहीं खुलेगा एक्स वाई ज़ेड। अगर मैं मान लो यही सीट लगाना चाहता हूँ उसमें वरना मैं टॉप मॉडल में आज वाली गाड़ी में 2020 में, तो क्या मेरे जो एयरबैग है उसका कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा, थोड़ा डाउट क्लियर करो। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कस्टमाइजेशन हम करते हैं तो कस्टमाइजेशन हम सेफ्टी पर साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने कि सेफ्टी हमें प्राइम है हमारे लिए, कंफर्ट भी तो प्राइम है लेकिन सेफ्टी प्राइम है। तो जो ओरिजिनल ब्रेक गाड़ी में एयरबैग लगे होते हैं गाड़ी के वो सेम पर्टिकुलर पोर्शन आप इसी सीट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा जिससे क्या है कि आपकी जो सेफ्टी है जो एयरबैग की है वो नीचे जो वायर लगी होती है वो कनेक्ट उससे हो जाती है, बाकी उसमें एयरबैग आपका इंटैक्ट रहता है, आपकी एयरबैग से कोई भी सेफ्टी से छेड़छाड़ नहीं होती है, आपका एयरबैग एलरेडी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। आपको लुक्स कंफर्ट भी मिल जाएगा, आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी, आपका एयरबैग इंटैक्ट रहता है, उसमें इंटैक्ट से कोई पंगा नहीं होता। तो मतलब कहना चाहूंगा मतलब अगर यही सीट है मेरी जो वरना की सीट है वो मैंने हटा के ये सीटें लगवा दी तो इसमें एयरबैग इसमें हाँ वो पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है एयरबैग का आपकी सीट से ट्रांसफर होगी इसमें ट्रांसफर हो जाता है तो वो हमारा एयरबैग काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। अच्छा अगर एयरबैग काम नहीं करता कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट, आजकल सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक ईसीएम कंट्रोल होती है, आप देखें गाड़ी के ना एयरबैग के निशान उसमें आ जाते हैं इस मीटर के अंदर अंदर आ जाते हैं, अगर वो निशान हट जाएगा तो समझ लो कोई काम कर रहा है आपको प्रूफ। मतलब काम तो चलो ठीक है आपकी ड्रीम भी फुलफिल हो रही है बट मेन है सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, सबसे बड़ा इनोवेशन तो भाई यही है। बिल्कुल यही है क्योंकि अगर आप किसी भी बंदे से बोले ओवर इंडिया में किसी भी बंदे से बोले कि ये काम कर देंगे वो पहले हाथ खड़े कर देगा मैं नहीं करूंगा जी। सर लिटरली मैंने देखा i10 में तो मैं पहली बार देख के हेडरेस्ट लग सकते हैं, मैं तो शॉक ही हो गया था कि अरे, और सर पता भी नहीं चला, लिटरली आपने भी देखा होगा कि अरे हेडरेस्ट एक्सटर्नल लगाया है हमने। अब बात आती है कि सर देखिए ये तो हमने अवेयरनेस फैला दी, कोई बंदा चाहता है हमसे जुड़ना मतलब दिल्ली में तो चलो आ जाता है, कोई बंदा आउट ऑफ दिल्ली है मतलब पैन इंडिया में कहीं भी रहता हूँ मुंबई रहता हूँ एक्स वाई ज़ेड कहीं भी रहता हूँ कैसे जुड़ सकता है थोड़ा बताइए। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर चैनल नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो ब्रांड है मैट्रिक्स कार डेकोर जैसे देख रहे हैं आप records.net और इसके थ्रू आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं और वेलकम है आप सभी लोगों के कोच, बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आपके लोगों के मन में आते हैं चेंजेस करने के रिगार्डिंग अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। आप छोटे से छोटे भी आप तरीके से एरिया के अंदर जो रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं होता है हम वहाँ तक की भी सर्विस जो होती है अवेलेबल करा करके जो भी बंदा हमारे बिजनेस पार्टनर बनना एसोसिएट होना चाहते हैं वी आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सर ये तो बात कर लिया हमने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह रिटेल नेटवर्क, अब हमारे जैसा कस्टमर है वो चाहता है गाड़ी दिल्ली में रहता हूँ कैसे क्या एड्रेस है एक बार एड्रेस बताओ। आप हमसे मिल सकते हैं प्लॉट नंबर 1 गेवरा मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 643 के अपोजिट हमारा ऑफिस है, आप आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। और आप रिटेल बनना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, डीलर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन किसी भी तरीके की इंक्वायरी आप चाहो हमको तैयार। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सर मतलब मैं कहना चाहूंगा आप 800 लेके आओ हम उसे बना के देंगे आपको। सर आपने एड्रेस तो बता दिया एक बार नंबर भी बता दीजिए। नंबर है 9810199656। सो गाइस विजेंद्र जी से अगर आप बात करना चाहते हो कोई भी हमारी क्वेरी है, एक एग्जांपल के तौर पे मारुति 800 हमने नैनो लिए कि आपको पता चल जाए कि छोटी गाड़ी में हो सकता है तो आपके पास बड़ी गाड़ी हो उसमें तो डेफिनेटली
पॉसिबल है, मसाजर लगा सकते हैं, मतलब जो आप सोचो भाई वो सब कुछ हो सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन आपको गूगल लिंक मिल ही जाएगा, कहीं भी रहते भाई बड़े प्यार से यहाँ पे पहुंच सकते हो। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें बिना मत जाना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक वीडियो देख ली, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। शेयर नहीं किया दोस्त फैमिली मेंबर तक फैला दो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन विजय जी हम ऐसे बाय करते हैं। ओके ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन विजेंद्र जी बाय।